प्यारे अजीज दोस्तों, जब आंखों से आंसू टपकने लगे, जब हौसला टूटने लगे, जब खामोशियां बयान से बाहर होने लगे, जब दिल टूटने लगे, तब ज़रा रुकिए, ठहरिए और रुककर सोचिए कि कोई नहीं है अपना मगर रब तो है। बस जब अल्लाह साथ है तो कैसा गम, जब अल्लाह से कुछ मांग रहे हो तो शक में मत पड़ो, यकीन कामिल रखो वह देगा क्योंकि वही देता है, मायूस मत होना। जिनको गम ज़्यादा मिलते हैं उनके लिए रब की मोहब्बत भी ज़्यादा होती है, जिसे तुम नामुमकिन समझ कर रो देते हो अल्लाह वही तुम्हें आता करके खुश कर देगा। अल्लाह देना चाहता है तभी तो ख्वाब दिखा रहा है, हाथ उठाकर मांगने की तौफीक दे रहा है, बहुत जल्द तमाम खुशियाँ आपके मुकद्दर में होंगी इनशे अल्लाह के। आप जानते हैं दोस्तों कि जब आप थक हार कर मायूस होकर तन्हा बैठ कर घबरा कर इलाही के आगे रो रहे होते हैं, तब आपको अल्लाह के फरिश्ते देख रहे होते हैं और फिर वही फरिश्ते अल्लाह के पास जाकर अल्लाह ताला से फरमाते हैं कि ए अल्लाह, आपका फलां बंदा फलां जगह बैठ कर रो रहा है। फिर अल्लाह पाक अपने फरिश्तों से फरमाते हैं कि मेरे बंदे के पास जाओ और उसे चुप कराओ, और फरिश्ते फिर थक हार कर अल्लाह ताला के पास जाकर कहते हैं कि ए अल्लाह, आपका बंदा अभी भी रो रहा है। और फिर फरिश्ते अल्लाह ताला से पूछते हैं कि आपका बंदा किस चीज़ के लिए इतना रो रहा है, जबकि आपके पास अपने बंदे के लिए अताओं का समंदर है, आप उन्हें किस चीज़ से महरूम किए हैं। तब अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा इसीलिए रो रहा है क्योंकि मैंने उससे उनकी कोई चीज़ छीन ली है जो उनको बहुत ज़्यादा अजीज़ है, और वह उस चीज़ को वापस हासिल करने के लिए इतना रो रहा है। फिर अल्लाह पाक अपने फरिश्तों से फरमाते हैं कि मेरी जात की कसम, अगर मेरा बंदा इस पर मेरी रज़ा के खातिर सब्र कर लिया तो मैं उससे ऐसी चीज़ से नवाज दूँगा कि जिस पर पूरी कायनात रशक करेगी, और फिर जो चीज़ उससे छीन ली गई है वह उस चीज़ को भूल जाएगा। बेशक अल्लाह ही हमारे दिलों को जानता है। एक बच्चा अगर आग में छलांग लगाना चाहे तो क्या उसकी माँ उसे आग में छलांग लगाने देगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उससे बच्चे को खतरा है क्योंकि वह नहीं जानता, मगर उसकी माँ खूब जानती है। पर सोचो, वह रब जो 70 माँ से ज़्यादा मोहब्बत करता है, भला वह तुम्हें ऐसी चीज़ में क्यों मुबतला करेगा जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं? बेशक अल्लाह ही जानता है कि हमारे हक में क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं। जब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसी तकलीफ़ या परेशानी आ जाए तो जो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो, तो हमेशा याद रखना इस बात को कि आंधी के पीछे भी अल्लाह की रहमत की बारिश छुपी हुई होती है। आप कभी भी अकेला नहीं होते। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अकेले हो गए हो, कोई आपके साथ नहीं, लेकिन वो रब जो अल्लाह तबारक ताला है, न वो आपको कभी तन्हा और अकेला नहीं छोड़ता। एक लम्हा के लिए यकीन रखो अपने अल्लाह पर। अगर आप उनकी रज़ा के खातिर सब्र कर लेंगे तो फिर वह आपकी चाहत से राज़ी होकर उन्हें आपकी तकदीर का हिस्सा बना देगा। वह तुम्हारी कहानी को जब चाहे जहां चाहे मोड़ सकता है। जो कुएं से निकाल कर यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बना सकता है, वो रब तुम्हारे गमों को खुशियों में भी बदल सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि दुआएं पहाड़ों को भी उनकी जगह से हटा सकती है। दुआ नसीब बदल सकती है, जो छीन लिया हो वह वापस लौटा सकती है, जिसके होने की गुमान भी ना हो वह दुआ कर सकती है। दुआ हर गुमान हकीकत में तब्दील कर सकती है। दुआ मोमिन का हथियार होती है। कुरान में जगह जगह तसल्ली दे रहा है, ना उम्मीद मत हो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ ही तो है। बस तुम बहुत ही जल्द अब सब ठीक हो जाएगा इंशा अल्लाह। वह दिन करीब है जब तुम अपनी हर दुआ हकीकत बनते देखोगे इंशा अल्लाह।
लोग तुम्हें तोड़ेंगे, बस तुम हिम्मत न हारना, मायूस न होना, बस तुम खुद को रब से जोड़ लेना, बाकी लोगों को वह देख लेगा। जब उस इंसान को गिरने नहीं देता जिसे हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत, दुआ के लिए हाथ उठाना और तुम्हारा मांगना अल्लाह की तौफीक के बिना मुमकिन नहीं है, तो जिसने मांगने की हिम्मत दी है वह कबूल भी ज़रूर करेगा इंशाअल्लाह। बस आप सब्र और शुक्र का दामन थामे रहना और कितनी भी मुश्किल वक्त आए कभी हिम्मत न हारना। इसीलिए दोस्तों आप हमेशा दुआ करते रहो, अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सभी को इन बातों पर सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आइए अब हम दुआ शुरू करते हैं। प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस दुआ में ज़रूर से शामिल हो, क्या पता आपकी आमीन से किसी की मुराद पूरी हो जाए। यह दुआ आपके लिए है और मेरे उन भाइयों और बहनों के लिए है जिन्होंने मुझे दुआ के लिए कहा है। ये दुआ बहुत प्यारी है, इसे सुकून से सुने और दिल में आमीन कहे, इसे दूसरों तक भी पहुँचाए। हो सकता है कि दूसरे लोगों की आमीन से आपकी यह दुआ कबूल हो जाए। आमीन यार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। है सारी कायनात के शहजहाँ, ए सारी मखलूक के पालने वाले, है ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, है आसमानों और ज़मीन के मालिक, ए पहाड़ों और समुंदरों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नातों के माबूद, है फरिश्तों के माबूद, है इंसानों के माबूद, है इज्जत और ज़िल्लत के मालिक, है बीमारों को शिफा देने वाले, है बादशाहों को बादशाह पाक, है अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम अगले पिछले शगीरा कबीरा सभी गुनाहों को, खताओं और नाफरमानी की माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम अपने गुनाहों से तोबा करते हैं, हमारी तोबा कबूल फरमा। हाय अल्लाह हम गुनाहगार हैं, शयाकार हैं, बदकार हैं और तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, ना शुक्र करते हैं, लेकिन तेरे माबूद मेरे पाक परवरदिगार हम जो भी हैं जैसे भी हैं तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरे तौहीद की गवाही देते हैं। ए अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं। है मेरे अल्लाह हमारी गुनाह तेरी रहमत से बड़ी तो नहीं है, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे। हे अल्लाह पाक हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सीधे रास्ते पर ला दे, मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बना दे। हे अल्लाह ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर जिस नमाज से तू राजी हो जाए, ज़िंदगी में ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक अता कर जिन अमाल से तू राजी हो जाए, ईमान पर ज़िंदा रख और ईमान पर ही मौत अता कर। ए अल्लाह हमें तेरे अहकाम की फरमा बरदार करने वाला बना दे और तेरे प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ए अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे। हे अल्लाह पाक जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा। ए अल्लाह तबारक ताला जो बीमार है ला इलाज बीमारियों में मुबतिला है उन्हें अपने खजानों से नेक और शालह इलाज अता फरमा। ए अल्लाह जिनके जो जो काम रुके हुए हैं वह पूरे कर दे। ए अल्लाह बिछड़े हुओं को मिला दे। ए अल्लाह शादीशुदा जोड़ों में बेपना मोहब्बत पैदा कर दे और उनकी ज़िंदगी में बरकत डाल दे। ए अल्लाह तमाम लड़के और लड़कियों के नसीब अच्छे कर दे। ए अल्लाह पाक जो कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज जल्द से जल्द अदा करवा दे। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बेघर को घर अता फरमा दे और शैतान के सर से हमारी हिफाजत फरमा दे। हे अल्लाह हलाल रोज़ी कमाने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह पाक परवरदिगार हज़रत आदम से लेकर अब तक जितने भी मोमिन इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमा।
हे पाक परवरदिगारे आलम, हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है। तू हर चीज़ पर कादिर है, बेशक दिलों के हाल तू खूब जानता है। ए अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हमारी दुआएं अपने रहम से अपने करम से कबूल फरमा। उन सब की सारी परेशानियों तकलीफ़ों और बीमारियों को दूर फरमा और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।